साहब साहब तो कौन है? पुलिस की बंद है साहब, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर भी ना ठंड में भी चैन नहीं लेने देते हैं। अरे सरकार ने 4 दिन की छुट्टी की है, दरोगा जी घर में सो रहे हैं, चोर जाग रहा है। सर मेरी रिपोर्ट। अरे तुमसे कहीं ना, ठंड है, जाओ यहाँ से। साहब हम क्या करें बताओ? क्या करें? आग जलाओ और मुंह फलिखाओ। अरे सबको मूंगफली खिलाओ, हमारी तरफ से ट्रीट है, पैसे से ले लेना। भाई मूंगफली तो पिताजी खाया करते हो, तो तुम ना खाओ। अरे आग के सामने ठंडी के मौसम में मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है। भाई मजे तो पिताजी लिया करते थे। अरे मामा आज जुम्मा के मूंगफली खा के मजे कर लो। सही कह रही है ये जुम्मा जैसे लोगों की मेहनत का ही फल है कि आज एक आम इंसान ठिठुरती ठंड में भी मजे ले सकता है। वरना हम ठंड में अकड़ने के अलावा कर क्या रहे हैं? दफ्तर बंद, ठंड है। स्कूल बंद, ठंड है। यहाँ तक कि सरकार बंद, ठंड है। जैसे हमने काम ना करने का कोई बहाना ढूंढ लिया है। हर मौसम में छुट्टी, बरसात है तो छुट्टी, गर्मी है तो छुट्टी, लू चल रही है तो छुट्टी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर मौसम का कोई असर नहीं होता, उन्हें ठंड नहीं लगती, उन्हें रजाई नहीं चाहिए। मूंगफली ले लो गलमा गलम कलाली, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। अच्छी लगी क्या? ठंड से बर्फ जमती है, पर आंखों पर और अकल पर जब ये बर्फ पिघलेगी तो किसी को ठंड नहीं लगेगी। देखिए ना, कैसे बार बार के हाथ से पैसे गिरा रही है। तो लपक से पकड़ लो, पकड़ लो, फिचक तो नहीं गिरोगी कीचड़। ये फेमस पंडित पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं। लक्ष्मी कैसे आएगी ये बताएंगे? लक्ष्मी जी सवारी होती उल्लू, और देखेगा एक दिन लक्ष्मी जी हमारे पर सवार होके आएंगी और इस लक्ष्मी को कीचड़ से निकाल के ले जाएंगे, तो उसके बाद अपने आंखों के कवल में बिठा के, समझी नहीं समझी? चैलेंज हमारा। लक्ष्मी जी के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी।